जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मेरा नाम है सत्यम तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो है हमारा है, आज है हमारा अलजेब्रा का पार्ट सेकेंड। क्या है? अलजेब्रा का पार्ट सेकेंड। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं टू टर्म्स मल्टीप्लीकेशन एंड फैक्टर, यानी कि हमसे गुणनखंड और दो पदों का मल्टीप्लीकेशन आज हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से और कम्प्लीटली समझने वाले हैं। तो हमें करना क्या क्या होता है यही हम बात समझ लें, और हमें कुछ नहीं करना है तो यही चीजें जो है समझ लेते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो साथियों, हम सभी यहाँ पर समझ लेते हैं। एक तरफ तो हम समझेंगे मल्टीपल, MULTIPLE। दूसरी तरफ हम समझेंगे फैक्टर, FACTOR। फैक्टर, फैक्टर और मल्टीपल, यानी कि ये तो होता है हमारा गुणनखंड, ये होता है हमारा मल्टीपल। जैसे हम समझ लेते हैं एक बात को, हमने अपनी पार्ट फर्स्ट की, यानी कि इसकी पार्ट फर्स्ट की मैंने वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मन करेगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल समझते हैं और फैक्टर। मान लीजिए आपके दो टर्म्स दिए हुए, एक है एक्स प्लस 5 और दूसरा है आपका एक्स प्लस 6। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करवाना है। बीच में जब कोई चिन्ह न लगा रहे तो मतलब मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। आप करें सिंपल क्या कि इसका जो पहला टर्म है इसको आप लिखें x हो गया, फिर इस वाले को पूरा आप उतार लें तो x प्लस 6, ठीक। फिर इसका यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस 5 लिखा है, तो यह प्लस 5 लिख रहे, ये वाला फिर आप पूरा उतार लें, हो गया काम। इतनी बातें समझ में आई आपको, चाहे जो दिया हो हमेशा यही करना है, ठीक। अब बात हम अगली करते हैं, अगले स्टेप की। हम पहले x और x का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, फिर हम इसी x से 6 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 6, फिर हम 5 से x में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x, फिर हम 5 से 6 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6। सबसे सब में हो गया मल्टीप्लाई, कुछ में बचा नहीं है। अब हमें करना क्या है, ध्यान सुनिए, रहेगा बीच बीच में चिन्ह लगाना। तो जब बाहर आपका प्लस रहे, इस ब्रैकेट के बाहर अगर आपका प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर की कोई चिन्ह नहीं बदली जाएगी। अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की सभी चिन्ह जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल बदल जाएंगी, ठीक। तो हमारा यहाँ पर इसके आगे है क्या, प्लस चिन्ह लगा है। जब मैंने कहा था कोई चिन्ह लगा हो तो प्लस माना जाता है, तो अगर प्लस है तो अंदर की चिन्ह नहीं बदलेंगे ना। एक्स के आगे हुआ प्लस चिन्ह, तो हमने कहा कि बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इस वाले एक्स का मल्टीप्लीकेशन यही तो है, तो यहाँ भी आपका प्लस चिन्ह रहेगा तो प्लस ऑटोमेटिकली लगा है। अब बात आई, बाहर प्लस था चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ भी प्लस है तो छा के आगे वाला भी, यहाँ भी आपका प्लस ही आएगा, क्लियर है। यहाँ भी प्लस तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ एक्स के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, छ के आगे भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, क्लियर हुआ। तो अब हमारा यहाँ क्या गया, पहली वीडियो में एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 × 5 = 30, क्लियर। अब हमारी बात आ रही है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ध्यान से इसी को बात को सुनिए। ये हमारा आया एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा 6 और 5 11x प्लस और प्लस 30, ये चीजें क्लियर। अब ये तो हमारा ये आ गया, अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनिएगा, अंतर जानते हैं कहाँ पे आएगा, जब ये चिन्ह जो है अलग अलग होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्लस न हो के माइनस है, प्लस में होके माइनस है, तो यहाँ भी हमारा प्लस न होके माइनस हो जाएगा, यही तो भाई बदलेगा, प्लस न होके माइनस होगा। अब देखिए इसमें तो कोई, इन दोनों टर्म्स में तो कोई चेंज आएंगे नहीं, चेंज कहाँ आएगा, यहाँ बाहर माइनस हुआ तो यहाँ भी अंदर जो होगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक भाई। बाहर माइनस हुआ तो अंदर का जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, तो इस एक्स के आगे प्लस लगा था, अब यहाँ पर लग जाएगा माइनस, क्यों लगा बताया, यहाँ पे 6 के आगे प्लस लगा था, अब यहाँ पर 6 के आगे लगेगा माइनस, क्यों लगा ये भी आप लोग जान गए। और वैसे भी देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी माइनस आएगा, ये चीजें क्लियर। तो अब आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पर दोनों जगह यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस, तो अब 6 में से 5 आपका घट जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ एक्स और माइनस 30, ये अब आपका आंसर आएगा। तो आई होप आप सभी ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पे माइनस माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर भी माइनस अप कर दीजिए, अब क्या आपका रिजल्टेंट आने वाला है ये देखिए।
तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी आपका माइनस, यहाँ भी आपका माइनस, ये दोनों जगह माइनस हो गया। चीजें समझ में आ रही है, बाहर प्लस है, चिन्ह बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका जो प्लस था अब ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक। बाहर माइनस था, अंदर का चिन्ह बदलना है। एक्स के आगे प्लस था तो यहाँ पे तो मैंने माइनस लगा दिया, बदल दिया है। यहाँ छह के आगे माइनस था, यहाँ का भी तो बदलना है चूंकि बाहर माइनस है। अब जब बाहर माइनस लगा तो चिन्ह बदल देंगे ब्रैकेट के अंदर की, तो यहाँ पे हमारा आप जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब यही सेम कंडीशंस, यहाँ आपका आएगा माइनस की वजह से माइनस, और छह और पांच ये माइनस में, ये माइनस में, अब ये दोनों जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट आपका माइनस 11x आ जाएगा। तो यही था कुछ फंडा मल्टीप्लिकेशन करवाने का। तो आई होप आप इसे जो है कम्प्लीटली समझ चुके होंगे, ये आपके दिमाग में कम्प्लीटली बैठ गया होगा। अब बारी आती है फैक्टर करने की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम इससे जब इसको प्राप्त करते हैं तो ये तो हमारा मल्टीपल है, लेकिन अब इस चीज से हमें इसको प्राप्त करना है। मान लीजिए हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस कितना 30, ठीक, ये आया था। अब इससे हमें ये निकालना है, ये हम निकालेंगे क्यों, जो पहले बताइए, ऐसा जब एक्स स्क्वायर प्लस कुछ करके एक्स प्लस 30 कुछ भी लिखा हो, या आपका वाई स्क्वायर प्लस कुछ करके वाई प्लस कुछ लिखा हो, तो ऐसे कंडीशन में जब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हो, समीकरण में इक्वेशन दिया रहेगा इजिकल टू जीरो देके, तो आपको जब एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसका करेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे करते हैं मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला काम आपको करना है कि जो संख्या यहाँ पे रहेगी इसको आप इससे जो है करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसके आगे वाली संख्या से। तो इसके आगे जनरली है क्या, इस समय कुछ नहीं है, मतलब एक छुपा है, मैंने कल बताया था कि एक छुपा है। तो जब 30 का एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 30। अब उसके बाद आपको करना है इस वाले चिन्ह से इसके चिन्ह से मल्टीप्लाई। तो यहाँ प्लस है, यहाँ है माइनस, सॉरी यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन आपका आएगा प्लस। दो चीजें आपको सबसे पहले निकालनी है, ठीक। अब ये आ गया 30, एक से मल्टीप्लाई जाएगा 30 और प्लस एक प्लस से मल्टीप्लाई जाएगा प्लस। मान लीजिए यहाँ आपका माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस आ जाता, या यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तभी माइनस आता। चीजें क्लियर होनी चाहिए, पहली बात इतना हुआ। इससे आपको पता जानते हैं क्या चला, कि अब आपको प्लस का मतलब हुआ कि जोड़ कर लाना है, तो जोड़ कर आपको लाना है 11, और जोड़ने पर 11 आए, गुणा करने पर आए 30। कोई दो ऐसी संख्या बताइए कि जिनको जब हम जोड़े तब तो हमारा 11 आ जाए, और जब जिनको हम गुणा करें तब हमारा 30 आए। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं हमारी 6 और 5। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 6 और 5 तो हमारा 11 बनेगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, 6 × 5 = 30। अब बात आई कि जोड़कर ही क्यों लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, प्लस। अगर माइनस लगा होता तो हम जान जाते हैं कि हमें घटा के यहाँ पे लाना है, क्लियर हुआ। अब गुणा करके 30 आ जाए, ये वाला 30 नहीं, जो हमारा यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो हमारा यहाँ पर 30 × 2 = 60 आता, तब हमें गुणा कर, जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 60 लाना होता। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, इसको ऐसे लिख रहने दीजिए प्लस, इसको 6 + 5 कर दीजिए इंटू एक्स प्लस 30, ठीक। 6 और 5 तभी तो वही लिखा है 11 ही, अब कुछ नहीं करना आगे। इजिकल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही, बाहर प्लस चिन्ह बदलेगा नहीं अंदर का, तो ये आएगा 6x + 5x + 30। चूंकि बाहर प्लस था तो यहाँ भी प्लस आपका आ जाएगा, यही तो होगा, अब कुछ नहीं करना आपको। इजिकल टू ये आपका हुआ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर कब हुआ था, जब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स था तब तो एक्स स्क्वायर हुआ था। अब प्लस 6 × x + 5 × x + 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, क्लियर हुआ इतना। अब हम जानते हैं कॉमन लेने का फंडा, कि जब कोई चीज जो है दो चीजों में मिल जाए मल्टीप्लाई में, तो हम एक चीज को वहां पे कॉमन ले लेते हैं। चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका x मिला, यहाँ भी x मिल गया, तो हम यहाँ पर x को ले लेंगे कॉमन, बचेगा हमारा क्या, x यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस 6 बचेगा, इतना तो बचेगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने प्लस 5 को ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर आपका बचा x और यहाँ पे प्लस 6 बचा। अब बात आई यहाँ पर, ध्यान सुनिए, हमने यहाँ पर प्लस प्लस था तो प्लस ही कॉमन लेना मजबूरी थी। मान लीजिए एक जगह यहाँ माइनस होता, एक जगह यहाँ प्लस होता, तब हमें यह देखना होता कि हमें यहाँ पे लाना क्या है। मान लीजिए हमारा पहला ब्रेकर जो आया वो x + 6 आया,
तो यह बिल्कुल फिक्स बात है कि दूसरे ब्रैकेट में भी आपका x प्लस 6 ही आएगा, अगर आपने क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है तो। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर माइनस या प्लस में कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट भी हमारा यही आ जाए जो यहाँ पे है। अब x प्लस 6 यहाँ, x प्लस 6 यहाँ, दोनों चीजें कॉमन, तो हम x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, हमारा बच जाएगा x प्लस 5। तो ऐसे हम करते हैं फैक्टर, ऐसे हम करते हैं मल्टीपल, इस तरह से इसको निकालना, ऐसे इस तरह इसको, इससे इसको निकालना हम मल्टीपल कहते हैं, और ऐसे दोनों चीजें हम करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये दोनों चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन और आपका डायरेक्टली लगवा देता हूँ, फिर मिलते हैं अपने आगे की वीडियो में। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन और लगवा देता हूँ, जो अगर आपका कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको जो है, साथियों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन और लिख लिया है, तो इन दोनों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसका करना है मल्टीपल, इसका करना है फैक्टर। चलिए देखते हैं एक एक करके, इज इक्वल टू। पहले मैंने क्या कहा कि ये पहला टर्म इसका लिखिए, 2x मैंने लिख लिया, फिर ये वाला पूरा आप उतार दीजिए 3x-1। ठीक, फिर इसका दूसरा टर्म लिखिए, हाई क्या +3 लिख लिया, ये वाला आप पूरा उतार दीजिए 3x-1, यही तो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कहा कि पहले टर्म्स को पहले टर्म्स में मल्टीप्लाई, यानी कि 2x-3x। अब पहले टर्म्स को दूसरे टर्म्स में, यानी कि 2x-1, चिन्ह का मामला भी नहीं ले रहे हैं, फिर 3x-3x, फिर 3x-1। अब बात आई चिन्ह की, कि कहां कौन चिन्ह लगाएंगे, बाहर प्लस है, अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, तो यहां पे 3x के आगे प्लस था, प्लस है, 1 के आगे माइनस था, माइनस रहेगा, बाहर है प्लस चिन्ह बदलेगा नहीं, 3x के आगे प्लस था यहां लगेगा प्लस, 1 के आगे माइनस था यहां लग जाएगा माइनस। ये चीजें क्लियर। अब आपका आया क्या, 2×3=6x, तो x2। ठीक, 2×1=2x, 3×3+9x-3। अब आगे देखिए, यहां 9x प्लस में है, 2x घट जाएगा यहां से, तो 6x2, 9 में से 2 गईया, तो +7x-3। अब बात सुनिए कि यहाँ पर और कुछ घटाने को नहीं था, तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी यानी कि पार्ट फर्स्ट को देखा है, तो आपके मन में अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं बचा होगा, अगर नहीं देखा है तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए होंगे, तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी, मैंने पहले ही कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहला कदम हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3×6 आपका हो जाएगा 18। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है, इसके चिन्ह से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां है माइनस यहां है प्लस, माइनस और प्लस का गुणा आपका आएगा माइनस। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि आपका घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18। कोई दो ऐसी संख्याएं बताइए कि जिनको हम घटा दें तो 7 आ जाए और गुणा कर दें तो 18। तो जब 9 में से हम 2 को घटाते हैं, 9 में से 2 को जब घटाते हैं तो हमारा आता कितना है 7, और जब 9 को 2 से गुणा करते हैं तो आता कितना है 18। चीजें क्लियर, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, 6x²-9-2×x-3, ये चीजें समझ में आई, मतलब 9 में से 2 घटाए 7 लिखा है, अभी तो वही चीज लिखा है, कुछ हमने चेंज नहीं किया है। अब चलिए आगे, 6x²-9x+2x-3, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपके मन में कोई डाउट जब नहीं बचेगा तब आप मुझसे कहिएगा कि अब जो है वो टॉपिक जो है अब आपको समझ में आई है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बात आई कि माइनस जब बाहर था तब अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा, तो 9 के आगे प्लस था तो 9 के आगे लग गया माइनस। अब बात आई 2 के आगे माइनस था तो 2 के आगे क्या लग गया, प्लस लग गया, चिन्ह में बदलना था तो चिन्ह बदल गया यहाँ पे। अब आगे देखिए, आपका है कितना, 6x²-9x+2x-3, ये तो वही उतार दिया यार। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3×2×x-x, फैक्टर कर लिया। 9 को क्या लिखेंगे, 3×3×x, फिर 2x को और फैक्टर नहीं करेंगे, 3 को भी नहीं करेंगे, तो ये प्लस आपका आ जाएगा 2x-3। ठीक, अब यहां से हमारा कॉमन क्या क्या बन रहा है, देखिए कॉमन हमारा बन रहा है यहां से हमारा 3, यहां भी 3 है, यहां x है, यहां भी x है, तो और कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, मतलब 3 और x कॉमन ले लिए। यहां आपका बचा 2x-3 बचा, 2x-3 बचा,
अब यहाँ पर है क्या, 2x-3 है, तो हमें लाना क्या उधर है 2x-3, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ दोनों ब्रैकेट में चीजें सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो हम 2x-3 ही लाना है, तो क्या करें कि कन्वर्ट ना हो मान, तो एक से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक से मल्टीप्लाई कराने में कोई चीजें चेंज नहीं होती है, और एक कॉमन ले लें तब भी कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लें तो हमारा आएगा 2x-3। ठीक, बातें समझ में आ गई। अब बात आई यहाँ पे = 2 लगाइए, = 2 आपका आया कितना, ये यहाँ या दोनों कॉमन है, यानी कि 2x-3 यहाँ पे कॉमन है, अब यहाँ आपका बचा 3x+1, यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी इससे इसको निकालना, फिर इससे जो है इसको निकालना सीख गए होंगे। अब बात आई कि हम इनसे वैल्यूज कैसे निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि = जो हमें 0 लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा। ठीक, तो अब हमारा आएगा कि 2x-3 × 3x+1 = 0 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब 2x-3 = 0। ठीक, एक एक को मानेंगे कि 0, भाई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब जानते हैं क्या है कि उनमें से एक संख्या हमारी 0 जरूर होगी। जब दो संख्याएं यहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, = यहाँ पे 0 आएगा, मैंने पहले ही कहा कि इक्वेशन में ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो = 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक संख्या 0 जरूर होगी। तो मैंने कहा पहले इसको मानते हैं 0, तो जब इसको 0 मैंने माना तो 3 उधर जाएगा आपका प्लस में, तो x = आ गया 3/2, 3 उधर गया प्लस में, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, बटे में चला जाएगा। और जब हमने 3x+1 = 0 माना तो 1 गया उधर माइनस में, x = आपका आ गया -1/3। अब देख लीजिए ये दोनों वैल्यू जिस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, 0 जो है इसको ला देंगे, चीजें क्लियर हैं। तो इसी तरीके से हम x की वैल्यूज को निकालते हैं और इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं, आई होप आप सभी जो है ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बातें आप जो है यहाँ नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए मैं आगे जो है वो बातें आपकी जो आप नहीं समझ पाए मेंशन कर दूंगा आगे की वीडियो में। तो आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का जो लाभ है वो काफी ज्यादा मात्रा में लोग जो है ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।